स्वागत करुच्ची आपको एसएस टिप्स रे मु प्रभात तो देखु आज भिडियो आम एक माराथन क्लास को डिस्कसन करवा जोटा कि रोचे आप हिस्ट्री रिलेटेड रहा कि आम यार एनसेंट हिस्ट्री आरंभ करके आपंकर मॉडर्न हिस्ट्री पर्यंत शहेटी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कसन करवा जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत ही हेल्पफुल रहा तो ये रोक कि आपंकर जीके एंड जीएस सीरीज रही है तो मुझे कही रखुच्छे आपंकर हिस्ट्री ऑलरेडी मुझे कवरअप कर जो रहा कि आपंकर फ्रीडम फाइट रिलेटेड जो रहा कि आपंकर 1885 मसीह आरंभ कर 1930 मसीह पर्यंत आपंकर कंप्लीट हो सारी सहित आपंकर मोगल एम्पायर रिलेटेड कंप्लीटली डिस्कशन हो सारी जदि आपने हिस्ट्री से दुईट भिड देखी ना तो काइंडली विजिट करूँ मुझे हिस्ट्री चैप्टर व्वज समस्त क्लासेस आपको प्रोवाइड करी यहाँ थी आपको बेस्ट 100 क्वेश्चन तो देखो यही टाइप क्वेश्चन आपंकर एग्जाम बारंबार रिपीट हो बुझे तो से ही 100 क्वेश्चन को लेकिन मुझे गोटे माराथन क्लासेस प्रोवाइड करुच्छे तो जदि आपटे कही रखुच्छे कि जदि आपो 100 क्वेश्चन आपत मार्क रईट करते मार्क जानते कमेंट बक्स में मेनसन करेंगे कि हाँ मत ये 100 रु एतेटा क्वेश्चन आसूँ जदि किसी आसुनी तो बेस्ट अच्छे आम किसी नुआ शिखा मिलमिश शिखा किसी असुविधा ना तो डेरी नक चलते भिडियो स्टार्ट करवा तो देखो किसी पीडीएफ अच्छी जोटा कि टेलीग्राम चैनल सेयार करें तो काइंडली टेलीग्राम चैनल जॉइन कर जातु तो टेलीग्राम चैनल आईसीएस टी सर्च कले आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे नचे आपने डिस्क्रिप्शन में गोटे लिंक प्रोवाइड कर देती तो से लिंक मध्यम आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे तो देखते जो रहा कि हिस्ट्री बेस्ट 100 क्वेश्चन रहा यहाँ आप ऑल कॉम्पिटिटिव टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रही है जमीक रहा है ओडिशा गवर्नमेंट अंडर तो एक क्वेश्चन देखा मिले सहित आपने जेकोसी एग्जाम प्रिपेरेसन होती कहीं क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा तो देखो आम ओनली क्वेश्चन डिस्कसन करवा बेसी पॉइंट को आम एलाबोरेसन करवा ना जमीक मुझे सब क्लासेस आपको डिस्कसन कै एते भी डिटेल डिस्कसन आप क्लास बहुत लेंदी हो तो मुझको खाली आंसर वही थी छोट छोट पॉइंट गोटे गोटे डिस्कसन कर चलिए तो देखिए कि आज फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन थी देखो ना विथ ह्विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड तो देखो विथ ह्विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ लर्निंग तो देखो आपंकर चाणक्यर सेंटर ऑफ लर्निंग कौटा था जे चाणक्य होती किए आपंकर चंद्रगुप्त मौर्य टीचर थे तो चंद्रगुप्त मौर्य होती किए आपंकर ना मौर्य वंशर प्रथम राजा मौर्य वंश को स्थापन करते आसपे क्वेश्चन आपको देखा मिले क्या हरई धनानंद को हरई क्वेश्चन आसपे तो धनानंद जी कौ वंशर राजा थी ना नंद वंश राजा थी आप मे भी क्वेश्चन देखा मिल पाए तो मौर्य वंश पूर्व कौ वंश मगधर शासन करुले से हो आप नंद वंश है तो देखो आम एंसेंट जो रहा कि आपंकर जो महाजनपद जो रहा आप भारत को 16 जनपद में विभक्त कर तो रिलेटेड एंसेंट ये आम डिस्कसन करवा किसी असुविधा ना डिटेल डिस्कसन कर तो गोटे स्पेशल क्लास मुझे प्रोवाइड करी तो क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना ह्विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड डैश तो सी थे कौटी ना तक्षशिला ऑप्शन ए हो रहा राइट आंसर दे देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना हु वाज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन द रिवर झेलम एंड चेना तो देखो रिवर झेलम आउ चेना भितर कौ किंगडम थी तो सही आपको जानवर अच्छे तो कौ किंगडम थी मांड किंगडम थी तो ये मांड किंगडम राजा किए थे मांड किंगडम राजा थी आपंकर पौरश किंग पौरश ऑप्शन सी है राइट आंसर देखो किंग पौरश आउ अलेक्जेंडर के भितर गोटे युद्ध होता से युद्ध को आपको जोटा कि रोचे आप हाइडपस युद्ध कहुए इंपोर्टेंट अच्छी मे भी आपको एग्जाम देखा मिल पाए तापर देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखते देखो ना तो कोणार्क टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय वन बाय डैश तो देखो आप जो कोणार्क टेम्पल क्या द्वारा कंस्ट्रक्टेड करा तो जोटा कि रोचे आप गंग डायनेस्टी द्वारा आप कौन होता ना कोणार्क टेम्पलटा गढ़ाई तो किए गढ़ी ना लांगुड़ा नरसिंहदेव गढ़ी तो ये रिलेटेड आज भिडियो मुझे अलरेडी आपको सहित डिस्कसन करी जोटा कि रोचे आपशा हिस्ट्री रिलेटेड डिस्कसन करें स्ट्राटेजिकल डिस्कसन कर समस्त क्वेश्चन को देन देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना अशोक वाज द सन ऑफ ह्विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य रूलर तो देखो अशोक कौ मौर्य रूलर संतान थे तो फर्स्ट देखो मौर्य वंश रिलेटेड मुझे डिस्कसन करुच्ची फास्ट आपको कही रखिली कि आपंकर धनानंद को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य कौन करते मौर्य वंशर स्थापन करते तो चंद्रगुप्त पु रोच किए आपंकर ना बिंदुसार चंद्रगुप्त पु रोच किए आपंकर बिंदुसार आ बिंदुसार पुत्र रोच आपंकर अशोक तो यार राइट आंसर कौन हो ऑप्शन बी है यार राइट आंसर बिंदुसार पुत्र हूँ अशोक है तो देखो यही जो रिलेटेड आप रहा कि अशोक रिलेटेड आपको एग्जाम बहुत ही क्वेश्चन देखा मिलूँ तो आपने ओडिशा गवर्नमेंट जेकोसी एग्जाम दिवत ना कहीं आप जो अशोक कलिंग आक्रमण होगा तपर से आपंकर अशोकर तपर आप जो स्त्री ना पचारूँ झी ना पचारूँ ये टाइप क्वेश्चन आपको बहुत थर एग्जाम देखा मिलूँ है
तापर देखिए कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छै देखंतु नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इंडस्ट्रियलिस्ट साइट तो निम्नलिखित मधुर कोटा आपनकर ओटे इंडस्ट्रियलिस्ट साइट नहि तो जोटे कि रहूछि आपनकर पाटलिपुत्र रहूछि आपनकर ओटे इंडस्ट्रियलिस्ट साइट नहि जे रहूछि देखंतु कि आपनकर मगधर कैपिटल थिला पाटलिपुत्र हो आपनकर मगधर कैपिटल जोटा जोरुछि कि हमें जनपद रिलेटेड डिस्कशन गले ए रिलेटेड डिटेल डिस्कशन करबा तो ये जो रहला कि रंगपुर ढोलबीरा लोठाल तो ये रहूछि जो आपनकर इंडस्ट्रियलिस्ट साइट ता को डिस्ट्रिक्ट रे बिलोंग्स करछंती एटा आपनकर गुजरात डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग्स करछंती बुझला तापर देखि कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो यार राइट आंसर कोन हिजो आपनकर ना पाटलिपुत्र हिजो कि आपनकर इंडस्ट्रियलिस्ट साइट नोहे तापर देखि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो हु वाज द ऑथर ऑफ द कादंबरी ए ग्रेट रोमांटिक प्ले तो देखंतु ए जो कादंबरी रो आपनकर ऑथर के थिले तो कादंबरी रो ऑथर होछन आपनकर बनभाट बनभाट होछन आपनकर कोन ना कादंबरी रो ऑथर इंपोर्टेंट अछि मे बी आपनकर एग्जाम रे क्वेश्चन देखे को मिले पारे तापर देखि कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थी देखंतु द लैंग्वेज ऑफ हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन इन इज डैश तो देखंतु जो हाथी गुंफा जो अछि तो सेतिरे को लैंग्वेज रे लिखाई के अछि जो शिला लिखाई छि को लैंग्वेज रे लिखाई छि ओडिया रे लिखाई जो अछि संस्कृत रे लिखा छि के पाली रे लिखा छि के मागधी रे लिखा छि तो राइट आंसर होइ जो आपनकर पाली रे लिखा छि ऑप्शन सी होइ जो यार राइट आंसर है ना तापर देखे कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थी देखंतु ना द मक हु इन्फ्लुएंस्ड अशोक टू एम्ब्रेस द बुद्धिज्म देखंतु आपनको को मक अशोक को बुद्धिज्म ग्रहण करी माने ये करथिले तो एटा होची आपनकर उपगुप्त जे होचंती जो गौतम बुद्धंकर शिष्य होचंती उपगुप्त जे कोन करथिले ना इन्फ्लुएंस करथिले अशोक को बुद्ध धर्म ग्रहण करिया पई ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर हैला उपगुप्त तापर देखिए कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थी देखंतु ना नेम द राजपूत जनरल हु ब्रेवली फॉर द बैटल ऑफ खनुआ बिफोर द लॉसिंग टू बाबर तो देखंतु बाबर सेतिरे हारिबा पूर्वरो को राजपूत आपनकर बैटल ऑफ खनुआ लड़ी थे तो देखंतु ए जो क्वेश्चन आपन देखिबा मिलि थारे बैटल ऑफ खनुआ तो खनुआ काका भीतर रहितला ना बैटल ए जो बाबर आ आपन काहा मध्य रहितला राणा सिंह मध्य रहितला केते मसिया रहितला मे बि आपन एग्जाम रे क्वेश्चन देखिबा मिलि पारे उठै रहू छी आपनकर 1527 मसिया रहितला केते मसिया रहितला 1527 मसिया रहितला तो ये क्वेश्चन देखंतु मु आपन को जो रहिला के बाबर रो मुगल वंश रो स्टार्टिंग रो एंड पर्यंत गोटे वीडियो कंप्लीटली डिस्कशन करी छी तो से वीडियो को आपन माने विजिट करी देखि पारिबे आई बटन ऊपर नाला वीडियो शेषर मध्ये आपन को मिलै छी तापर देखे कि आपनको नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थी देखंतु ना तो एलिस सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज डैश तो देखंतु को सिटी आपनको इंडिया रे प्रथमे डिस्कवर करा जाईतिला हरप्पा पंजाब मोहनजोदड़ो आउ सिंधी तो राइट आंसर कोन हिजो देखंतु आपनको हरप्पा हे जो यार राइट आंसर तो हरप्पा होची आपनको कोन सबुटारो एलिस सिटी जोडा कि इंडिया रे डिस्कवर करा जाईतिला ऑप्शन ए हे जो यार राइट आंसर तो देखंतु एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि तो देखंतु आपनको गोटे क्वेश्चन देखियो मिलि पारे ए जो हरप्पाटा को रिवर कुळे रे अवस्थित जोडा कि होची आपनको राबी को नदी ना राबी नदी कोले रे अवस्थित तापर देखि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थी देखंतु ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पा साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात तो निम्नलिखित मधुर को साइट आपनकर को हरप्पा साइट गुजरात रे अवस्थित करू नाही एटा मध्ये आपनकर इंपोर्टेंट रही छि तो जोटे कि रहू छि देखंतु आपनकर सुक्तेंगदोटा जो रहूछि सेटा होछि आपनकर कोठि ना बुलचिकस्तान पाकिस्तान रहूछि आपनकर ऑप्शन सी हे जो है राइट आंसर जोडा कि आपनकर गुजरात रे अवस्थित करूनाय डिजालपुर तापर रहला कि रंगपुर तापर होछि सुरकत टाड ये रहूछि कोन आपनकर गुजरात अवस्थित किंतु आपनकर ऑप्शन सी जोडा कि रहूछि आपनकर सुक्तकेंदोर एटा आपनकर गुजरात रे अवस्थान करूनाय एटा होछि आपनकर बुलचिस्तान पाकिस्तान अवस्थित करूछि तापर देखे कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखंतु ना हरप्पा डिड नॉट नो द यूज ऑफ डैश तो देखंतु हरप्पा जो आपनकर हरप्पा सिविलाइजेशन जो रहला कि आपनकर कहार यूज जानि नथिले कॉपर ब्रोंज गोल्ड आउ आयरन तो कहार यूज जानि नथिले एटा होची आपनकर आयरन रे यूज जानि नथिले एटा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत रे एग्जाम रे मधे क्वेश्चन आपनको देखिबा को मिलिछे तापर देखे कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखंतु ना द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट डैश तो जो रहले कि आपनकर ग्रेट बाथ एटा मध्ये आपनकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ग्रेट बाथ आपनकर कोठु मिले छि को खोदन रे आपनकर मिले छि हरप्पापुर लोठाल रो चंदवार रो आ मोहनजोदड़ो कोठि मिले छि आपनकर ना मोहनजोदड़ो मिले छि जोडा कि होछि आपनकर ग्रेट बाथ टा मिले छि तो मोहनजोदड़ो को रिवर कुले रे अवस्थित सेटा मध्ये आपनकर पई इंपोर्टेंट क्वेश्चन मे बी आपनकर क्वेश्चन देखा मिल पारे आज जो रहा कि जो मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो आप मानते मोहनजोदड़ो अन्य नामटी कौन ना द माउंट ऑफ द डेड ये आपर आरआई एग्जाम क्वेश्चन देखा मिलता कि मोहनजोदड़ो अन्य नामटी कौन बुझेगा यहाँ एग्जाम आपर क्वेश्चन देखा मिलता ना तापर देखिए आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना खारवेल द ग्रेट
belongs to dash. तो देखों तो जो खराब बड़े होता great king belongs to dash को dynasty को अपन गौर खराब बड़े belongs कर चुनते. तो यार right answer है जो चेदी है ना. यार right answer कौन है जो चेदी dynasty को belongs कर चुनते. Option B है जो यार right answer जो डेके recently अपन गौर SI exam रे देखिए को मेरी थी ला. तापर देखिए क्या अपन करा next question. तो next question कौन थी देखों तो who brought back the image of the Kalinga jina that was had taken had been taken away by the महापद्मनंदो. देखों तो अपन को जो रहेला कि कलिंग जिना रो मेस्ट को अपन को नै आइथिले के महापद्मनंदो ताको के बैक कर के आनीथिले. तो एटा होछ अपन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाको के आनीथिले ना अपन को खारबेळ आनीथिले. ऑप्शन डी हे जो है रो राइट आंसर. तो खारबेळ ब्रॉट द बैक द इमेज ऑफ अ कलिंग जिना दैट हैड बीन टेकन अवे बाय द महापद्मनंदो. देन देखिए अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थी देखों तो द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश. तो देखो तो कहा साम्राज्य समय रे अपन को जो मथुरा स्कूल टा अपन को कौन करथला माने विकसित होइथला. तो यार राइट आंसर कोन जो कनिष्क. ऑप्शन सी है जो यार राइट आंसर है. तापर देखियो कि अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थी देखो तो ना पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ डैश. तो जो रहले कि अपन को कालिदास कहा कोर्ट रे काम करूथिले बा कहा कोर्ट रे अपन गोटे पोएट हिसाब रे थिले. पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ डैश. तो यार राइट आंसर हे जो देखंतु चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हे जो. ऑप्शन सी हे जो यार राइट आंसर. तो देखंतु चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ना रहउचे चंद्रगुप्त द्वितीय मध्ये अछि. तो बेले बेले अपन चंद्रगुप्त द्वितीय मध्ये लेखाइ दिबो. जदि ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय थियो अपन ट्राइट करिवे आ जदि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थियो राउट करि दि जण को ना गोटिए तांगा चंद्रगुप्त द्वितीय को ना होची चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हला. ऑप्शन सी हे जो यार राइट आंसर. तो देखंतु ई जो रहले कि अपन को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दरबार में आपंकर बराहमीर थे कालिदास थे बराहमीर आ कालिदास ये रिलेटेड आप एग्जाम प्रायत क्वेश्चन देखा मिलूँ. तो आप गोटे कमेंट वर्क दिखाला कि मेघदूत किए रचना करते आपंपाई गोटे कमेंट वर्क. तो मेघदूत किए रचना करते आपंपाई कमेंट वर्क डेफिनेटली यार आंसर कमेंट बक्स में प्रोभाइड करेंगे है. देन देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन थी देखो ना हु वाज कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज विक्टोरीज. तो देखो निम्नलिखित मध्य क्या आपंकर इंडिया रा नेपोलियन बोली कहा जाए. तो जी रोच कौन ना समुद्रगुप्त को आपंकर कह जाए इंडिया रा नेपोलियन बोली का. तो देखो जो इंडिया नेपोलियन किए खेड़ा देखते जी रोच एवी स्मिथ. मे भी आपंकर एग्जाम क्वेश्चन देखा मिल पाए एवी स्मिथ है. देन देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन थी देखो ना हर्ष चरित्र द बायोग्राफी ऑफ हर्ष व्हाट्स रिटन बाय डैश. तो देखते ये जो रहा कि हर्ष चरित्र हूँ आप गोटे बायोग्राफी कहार ना हर्षंर बायोग्राफी ताकू लिखिंट किए ताकू लिखिं आप बनभट्ट लिखिं. ऑप्शन ए हो रहा राइट आंसर. तो बनभट्ट कौन ना हर्ष चरित्र को रचना करें भी आप एग्जाम क्वेश्चन देखा मिल पाए. दिन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड व्हाट्स डैश. तो देखो हर्षवर्धन पीरियड रे इंडिया को किए विजिट करते जी रोच ह्वेनसांग विजिट करते. तो ह्वेनसांग आपंशार कौ पोर्ट को विजिट करते ना ओडार चेरीटल पोस्ट को पोर्ट को विजिट करते. यहाँ हूँ आपंकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे मे भी एग्जाम देखा मिल पाए जोटा कि ओडा जिके भी आपको क्वेश्चन को कवरअप कर सारी. देन देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखते देखो ना हु वाज द फर्स्ट नोन गुप्त रूलर. तो आपंकर प्रथम गुप्त रूलर किए थे देखो गुप्त वंशर स्थापना किपर से आम डिस्कसन करवा. देखो आपंकर गुप्त वंशर स्थापन किए करते ना श्रीगुप्त. तो गुप्त वंश पूर्व आप कहते ना सातभाग वंश किए थे आपंकर सातभाग वंश. तो सातभाग वंश किए स्थापन करते श्रीमुख स्थापन करते आउ सातभाग वंशर शेष राजा किए थे ना सप्तकर्णी थे. सप्तकर्णी थे आपंकर सातवंश राजार कर्ण थे सातवंश राजार शेष राजा थे जहाँ को हरईकि आपंकर श्रीगुप्त कौन कले ना गुप्त वंशर स्थापन करते है. तो गुप्त वंशर स्थापन हो गल आमर. तो यार राइट आंसर कौन है हुईज द फास्ट नोन आज द गुप्त रूलर. ऑप्शन ए हो रहा राइट आंसर श्रीगुप्त हो रहा राइट आंसर है. देखिए कि आपको जो रहा कि आपंकर नालंदा यूनिवर्सिटी. तो देखते जो नालंदा यूनिवर्सिटी रिलेटेड आप बहुत एग्जाम क्वेश्चन देखा मिलूँ. तो नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग डैश स्पेशली इन डैश. तो जो रही है आप बुद्धिजिम. तो नालंदा यूनिवर्सिटी रोचे आप गेट सेंट्रल लर्निंग ऑफ बुद्धिजिम. ऑप्शन ए हो रहा राइट आंसर. तो ये जो रही कि आपंकर जो नालंदा यूनिवर्सिटी को केवे स्थापन होता. तो नालंदा यूनिवर्सिटी को आप स्थापन होता 1197 मसीह किए स्थापन करते ना कुमारगुप्त वन स्थापन करते. किए स्थापन करते कुमारगुप्त वन स्थापन करते प्रथम कुमारगुप्त स्थापन करते. आप क्वेश्चन देखा मिलता है नालंदा यूनिवर्सिटी को आपंकर कौ डायनेस्टी स्थापन करती जोटा कि रोचे आपंकर गुप्त डायनेस्टी. किए आपंकर गुप्त डायनेस्टी इंपोर्टेंट अच्छे मे भी आप एग्जाम क्वेश्चन देखा मिल पाए.
ବରାହମିର ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ତ ବରାହମିର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ତ ବରାହମିର ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆନ୍ସେଣ୍ଟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ରହୁଛନ୍ତି ବରାହମିର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମେ ବି ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ତ ବରାହମିରେ କାହା କେଉଁଠୁ ଏଇଟା କାମ କରୁଥିଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ତ କାହା କେଉଁଠୁ ଏଇଟା କାମ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ କୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମ ହିସାବରେ ଥିଲେ କାମ କରୁନଥିଲେ ତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ହିସାବରେ ଥିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଜୈନଜିମ୍ ତ ଜୈନଜିମ୍ରେ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଲ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ସନ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୱେୟାର୍ ବୁଦ୍ଧ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ଏନ୍ଲାଇଟ୍ମେଣ୍ଟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ ତ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗୟା ତ ବୋଧଗୟା ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ବୋଧଗୟାର କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କି କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ହେଲା କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ସେଇଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଲି ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧି ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବୌଦ୍ଧି ବା ପାଲି ତାପରେ ରହିଲା କି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିହାରରେ ଯାଉଛି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଅ ଜୈନଜିମ୍ ତ ଜୈନଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜୈନଜିମ୍ର ସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଥିଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦେଲା ଗୌତମ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦେଲା ମହାବୀର ଅପ୍ସନ୍ ସି ଦେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକ ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ମହାବୀର ହେଇଯିବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଜୈନଜିମ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେନ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ହେଲ୍ଡ ତ ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଚାରୋଟି ହେଇଛି ସେ ଚାରୋଟି ରିଲେଟେଡ଼୍ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅପ୍ସନ୍ ସେଇ ହିସାବରେ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ହେଇଥିଲା ରାଜଗିରିରେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବୈଶାଳୀରେ ହେଇଥିଲା ତିନି ନମ୍ବରଟା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ଏବଂ ଚାରି ନମ୍ବରଟା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କାଶ୍ମୀରରେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ତିନି ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ କାଉନସିଲ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେମି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ତାପରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ତ ଜୈନ ଲିଟରେଚର୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ତ ଯେଉଁ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଜୈନ ଲିଟରେଚର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହିସାବରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଲେ ତ୍ରିପିଟକ ତ ତ୍ରିପିଟକ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଲିଟରେଚର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ତ୍ରିପିଟକ ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଆଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଙ୍ଗସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେନ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍ ହୁଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଦ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଇନ୍ ୱାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲେ କି ଜନପଦ ଭିତରେ ରହିଲେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଷୋହଳଟି ଜନପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତ ସେଥିରୁ କେଉଁ ଜନପଦ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଏଲିଫେଣ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମଗଧ ମଗଧ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଗଧ କଥା କହିବେ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ସରି ଭୁଲ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ କି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରହିଲେ ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ୱିନ୍ କରିଥିଲେ ଆଠଟି ଜନପଦକୁ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବିନ୍ଦୁସାର ଯିଏକି ରହିଲେ ଦଶଟି ଜନପଦକୁ ୱିନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଶୋକ ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ଷୋହଳଟି ଜନପଦକୁ ଜିତିଥିଲେ ହେଲା ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମଗଧ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିଏକି ଏଲିଫେଣ୍ଟର ୟୁଜ୍ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାପରେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ତରାଇନ୍ ଫଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ତରାଇନ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ୍ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଦୁଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ୍ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଆଉ ପୃଥିବୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା 1991 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ତ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ପୃଥିବୀରାଜ ଚୌହାନ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ୍ ହେଲା ତ ସେଥିରେ କିଏ ଜିତିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରାଜ ଚୌହାନ ୱାଜ୍ ଏ ଡିଫେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ତରାଇନ୍ 1992 ମସିହାରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 1992 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରିଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଜିତିଥିଲେ କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ୱିନ୍ କରିଥିଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେନ୍ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହୁ ୱାଜ୍ ଏ ଡିଫେଟେଡ୍ ବାଇ ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ଚାନ୍ଦୁଆର ଇନ୍ 1994 ମସିହା ତ 1194 ବୋଲି କହିଲି ନା 1194 ତ ଏଇଠି ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର 1992 କହିଥିଲି ସେଇଟା କରେକ୍ସନ୍ କରିକି 1192 ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପୋଲୋଗାଇଜ୍ କରୁଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଡିଫେଟ୍ ବାଇ ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଚାନ୍ଦୁଆର 1192
चौरानबे मसीह तो एगारश चौरानबे मसीह जो आप बैटल ऑफ चंदवार होता तो से किए आप डिफेक्ट होते जो आप जय चांद ऑप्शन बी हो राइट आंसर जो चंदवार युद्ध के मसीह रहता एगारश चौरानबे मसीह क्या भितर रहता मोहम्मद घोरी आपंकर जय चांद भितर रहता बुझेल तापर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो हू वाज द फर्स्ट ए मुस्लिम टू इनवाइट इंडिया तो प्रथम मुसलमान किए किए जे कि आप भारत को आसते जी हूँ आप मोहम्मद बिन कासिम ऑप्शन सी है जुआ राइट तो यहाँ भी बहुत थोड़ा एग्जाम देखा मिली मोहम्मद बिन कासिम दे देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो हू वाज द फाउंडर ऑफ चोलो डायनेस्टी तो चोलो डायनेस्टी को आप किए स्थापन करते तो हू इज द फाउंडर ऑफ चोलो डायनेस्टी जी रोचे कौन विजयलय तो विजयलय होती आप कौन ना चोलो डायनेस्टी फाउंडर तो विजय देखो कितु जदि पचारे कि क्वेश्चन आप चोलो डायनेस्टी सबुठ शक्तिशा राजा किए थे तो शक्तिशा राजा हूँ राजाराज और पु राजेन्द्र प्रथम राजेन्द्र से दिजन जगह थी आप ग्रेट किंग थी आपंतर ना चोलो डायनेस्टी देन देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना हू कंप्लीटेड द कुतुब मीनार तो कुतुब मीनार को किए आपंकर कंप्लीट करते तो देखो आप इल्तुतमिश कंप्लीट करते कि स्टार्टिंग किए करते ना कुतुबुद्दीन आईबाका को स्टार्टिंग करते बुझेगा तो दुटा इंपोर्टेंट अच्छी मे भी आपंकर एग्जाम देखा मिल पाए तापर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना हुई ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिल्ड द मस्जिद कॉल्ड आधाई दिन का झंपर तो आधाई दिन का झंपर किए आपंकर मस्जिद को किए बिल्ड करते ऑप्शन देला बलबान अब्राहम लोदी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन आईबाग तो यार राइट आंसर होगा आप कुतुबुद्दीन आईबाग जी कौन करते आप मस्जिद तैयारी करते जहाँ को आधाई दिन का झंपर ऑप्शन डी हो यार राइट आंसर कुतुबुद्दीन आईबाग ऑप्शन बी हो यार राइट आंसर देन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना हू इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को निम्नलिखित मध्यरु आपंकर के इंट्रोड्यूस करते ऑप्शन ए देला फिरोज शाह ऑप्शन बी देला मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन सी देला कि अलाउद्दीन खिलिज ऑप्शन डी देला कि आपंकर सिकंदर लोदी तो यार राइट आंसर है जो आपंकर अलाउद्दीन खिलिज तो देखते ये जो खिलिज वंश रिलेटेड डिस्कशन करदे जोटा कि रही आप दिल्ली सुल्तान सबुठ कम समय पर आपंकर खिलिज वंश शासन करते ए रिलेटेड क्वेश्चन देखा को मिल पाए एग्जाम तो ताकि आपने देखिए देन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो ना हुई मोगल एम्पायर फॉर द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 मसीह तो जो रहा कि बाटल ऑफ पानीपत होता क्या भितर होता ना बाबर आउ इब्राहिम लोदी मध्य रहता तो बाबर आउ इब्राहिम लोदी मध्य रहता तो से किए जीति ना बाबर जीति तो जो रहा कि आपंकर कौ मोगल एम्पायर प्रथम पानीपत युद्ध लड़ी पानीपत युद्ध केवे हुए ए रिलेटेड क्वेश्चन मतलब देखा मिल पाए तो केवे होता ना 1526 मसीह क्या भितर होता बाबर आउ इब्राहिम लोदी मध्य होता है देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो कौटा गल हाँ तापर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ हुई फ्रेंच एस्टाब्लीश्ड व्वेर फ्रेंच एस्टाब्लीश दे आर फास्ट फैक्ट्री देखो ये आपटे इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छे गोटे हूँ फैक्ट फास्ट फैक्ट्री गोटे अच्छी बेले बेले आप फास्ट कलोनी देखा को मिलता है तो देखो कौटार फ्रेंच तार फास्ट फैक्ट्री को एस्टाब्लीश कर तो फास्ट फैक्ट्री तार एस्टाब्लीश कर सुरट केते मसीह ना जोटा रही आप 1667 और 68 मसीह 1667 और 68 मसीह आपंकर कौन सुरत में फर्स्ट फैक्ट्री को स्थापन करता सेकेंड फैक्ट्री कौटी स्थापन करता ना सेकेंड फैक्ट्री आप स्थापन करता मौसली पटाम स्थापन करता के मसीह ना 1669 मसीह स्थापन करता है तो जो कि आप क्वेश्चन जब पचारा कि फास्ट कलोनी के मसीह स्थापन करता तो फास्ट कलोनी कौ जगह स्थापन करता फास्ट कलोनी स्थापन करता 1664 मसीह मार्गास्कटे है तो फास्ट कलोनी कौटी स्थापन करता 1664 मसीह मार्गास्कटे स्थापन करता जोटा फेल्ड हो जाता तापर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना बुलंद दरवाजा वाज बिल्ड बाय डैश तो ये जो बुलंद दरवाजा क्या द्वारा सीटा बिल्ड करा जाइला तो बुलंद दरवाजा आपंकर क्या द्वारा बिल्ड कराइला अकबर द्वारा बिल्ड कराइला केते मसीह बिल्ड कराइला ना 1557 मसीह 1575 मसीह बिल्ड कराइला बुलंद दरवाजा इंपोर्टेंट अच्छी तो ये जो रहा कि आप अकबर रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखा मिलता है तो मुझे जस्ट लाइटली गोटे दुईटा क्वेश्चन नहीं जेहतु आप किसी माराथन रिलेटेड क्वेश्चन टाइम किसी प्रोभाइ लार्ज क्वेश्चन फास्ट अमाउंट क्वेश्चन आपको प्रोभाइड करने किसी क्वेश्चन आपको नहीं जाए तो आम यहाँ हिस्ट्री क्लास बर्तमान आप डिस्कसन कर पूरा चैप्टर वाइज आप डिस्कसन करेंगे जो जो क्वेश्चन आप डिस्कसन करुच्चे से ही डायनेस्टी रिलेटेड आप डिटेल डिस्कसन कर गोटे गोटे चैप्टर वाइज है देन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो ए हार्टली वेलकम वाज एक्सटेंडेड
टू द इंग्लिश कैप्टेन हाकिन्स बाय द मोगल एम्पायर डैश तो देखो क्या द्वारा आप जो इंग्लिश कैप्टेन हाकिन्स को वेलकम कराइला जोटा रही है आप जहांगीर द्वारा क्या द्वारा जहांगीर द्वारा ऑप्शन डी है यार राइट आंसर देन बर्तमान देखिए कि आपंकर महमूद का रिलेटेड किसी क्वेश्चन देखा तो देखो महमूद केवे भारत आक्रमण करते तो देखो महमूद का रिलेटेड बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम देखा मिलता है तो महमूद प्रथम केवे भारत आक्रमण करते ना महमूद 1001 आपंकर भारत आक्रमण करते ऑप्शन बी है यार राइट आंसर तो महमूद के सोमनाथ टेम्पल को आक्रमण करते हैं इंपोर्टेंट तो देखो सोमनाथ टेम्पल रिलेटेड ही आपंकर एग्जाम क्वेश्चन देखा मिलता है जोटा रही है आपंकर 1525 दुटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहली महमूद केवे भारत आक्रमण करते केवे सोमनाथ टेम्पल को आक्रमण करते ये दुटा हूँ आपंकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपंकर एग्जाम क्वेश्चन देखा मिलता है तापर देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो ना तो बैटल ऑफ पलासी वाज फोट ऑन डैश तो जो रहा कि आपंकर बैटल ऑफ पलासी केते मसीहारे हेइथिला तो बैटल ऑफ पलासी आपंकर 23 June 1775 मसीह इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे बैटल ऑफ पलासी क्या क्या मध्य रही तो देखो बंगर नवाब सिराजुद्दौला आउ आप इंग्रेज मान मध्य होता तो यही टाइप रही क्वेश्चन देखिए कौन देखो ना हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पलासी तो पलाश युद्ध समय आपंकर बंगाल नवाब किए थे ना सिराजुद्दौला ऑप्शन सी है यार राइट आंसर दुटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे मिक्स कर क्वेश्चन प्रोवाइड कले मे भी आप एग्जाम बुलाइक आसपे तो देखो मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन नौचे कि जमी आपने जापर कि आपड़ी क्वेश्चन जरा आंसर जानते देदेले ना ओवरअल एत मिक्स क्वेश्चन भी मुझे आंसर करेक्ट कर पार्टी तो आपड़ गोटे मन में गोटे कौन हम गोटे जोश आसवे कि ना मुझे किसी क्वेश्चन आंसर जाँची तो से बेसिक छोट छोट क्वेश्चन ही किसी नौचे आई टाइप क्वेश्चन आपने एक्जाम देखिए यही टाइप क्वेश्चन ही देखा मिलूँ आ गए क्या कही रखुच्छे देखते मुझे ये भल भल कंटेंट प्रोवाइड करुचे कि आप गोटे दुख लगुच कि आपने मो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ देखो यहाँ काइंडली रिक्वेस्ट करीडियो को चारे सेयार करूँ आप जहाँ डिमांड करेंगे ना मुझे हिसाब से आपको क्लासेस प्रोवाइड करी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ देन देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो ना द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान व्वेर ही डैड व्वल फाइटिंग द फोर्थ आंग्लो मैसूर वार 1799 मसीह तो तार कैपिटल कौट था जोटा कि हूँ आपंकर सेरिंगपाटनम ऑप्शन सी एज वायर राइट यहाँ आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तो फास्ट क्वेश्चन देखो कि फोर्थ आंग्लो मैसूर वार के ना 1799 मसीह इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी मे भी आप एग्जाम देखा मिले पाए तापर देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना व्हेयर डिड सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्राजेडी टेक प्लेस तो कौ जगह आपंकर ब्लैक होल ट्राजेडी मैंने होता तो यहाँ हूँ आपंकर कालकाटा होता कौ जगह होता जोटा कि हूँ आप फोर्ट विलियम जगार होता फोर्ट विलियम आपंकर फोर्ट विलियम कलकत्तारे आपंकर कौन होता ब्लैक होल ट्राजेडी देखा मिलता तो यहाँ हूँ आपंकर इंपोर्टेंट अच्छी तो मे भी आपंकर एग्जाम क्वेश्चन देखा मिल पाए कैसे मसीह पचारिपे जोटा कि रही है आप 1756 मसीह के 1756 मसीह देन देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो ना सत्यशोधक समाज व्वाज फाउंडेड अन् ह्विच इयर तो सत्यशोधक समाज आपंकर मसीह स्थापन होता जोटा कि रही है 1873 मसीह किए स्थापन करते ज्योति फुले आपंकर स्थापन करते तो कौ जगार ना महाराष्ट्र ज्योति फुले महाराष्ट्र तापर देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो ना द बुक 1857 वाज रिटन बाय हु तो देखो 1857 बुकटा किए रचना करते तो यार राइट आंसर ऑप्शन ए हो एस एन सेन रचना करते इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी देखो कार्ल मार्क्स आपंकर रचना करते कार्ल मार्क्स रचना करते जो बुकटा ता ना हूँ कौन ना द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859 है 1857 to 1859 आप किए रचना करते कार्ल मार्क्स रचना करते आउ खाली तो 1857 किए रचना करते एस एन सेन रचना करते है देन देखिए आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड बीन बिगनिंग इन डैश तो देखो जो रहा कि 1857 मसीह जो विद्रोह तो 1857 मसीह जो विद्रोह को आम कौन कहते ना सिपाही विद्रोह तो सिपाही विद्रोह आपंकर प्रथम कौ जगार स्टार्ट होता तो यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे मे भी आप एग्जाम देखा मिल पाए तो देखो सिपाही विद्रोह आपंकर मेरुट्रु आरंभ होता ऑप्शन ए हो राइट आंसर तो देखो सिपाही विद्रोह जब आप बेले बेले कौन करते ना क्वेश्चन मसीह सहित डेट आपको पचार था तो जो सिपाही विद्रोह प्रथम आरंभ होता के 1857 मसीह आपंकर कौन होता सिपाही विद्रोह आरंभ होता इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी मे भी आप एग्जाम देखा मिल पाए तापर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट तो देखो आप जो रहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस
अलग-अलग मत दे अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग मत दे जोटा कि मुझे डिस्कसन करना तो से क्वेश्चन मुझे नहीं इंडिया नेशनल कांग्रेस बहुत ही कम क्वेश्चन मुझे नहीं कारण देखो मुझे जो इंडिया नेशनल कांग्रेस जो आप गोटे 1885 मसीह जो सीरीज प्रोवाइड कर हिस्ट्री तो ताधर पूरा 1885 मसीह मसीह करा आप 1930 मसीह पर्यंत डिस्कसन करी तो से जगह बहुत कम क्वेश्चन को नहीं है तो हु सेड दैट इंडिया नेशनल कांग्रेस इज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट तो किए कही कि इंडिया नेशनल को आपको गोटे बेगिंग इंस्टीट्यूट बेलिका तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तो यार राइट आंसर है जो देखते आप अरविंद घोष कहते तो अरविंद घोष कहते कि इंडिया नेशनल इंडिया नेशनल कांग्रेस रोच गोटे बेगिंग इंस्टीट्यूट तो बिपिन चंद्र पाल इंडिया नेशनल कांग्रेस उपरे मत देते तो इंडिया नेशनल कांग्रेस कौन मत देते ना इंडिया नेशनल कांग्रेस इज ए प्लेइंग विथ बबल्स प्लेइंग विथ बबल्स इंडिया नेशनल कांग्रेस प्लेइंग विथ बबल्स ये मत किए देते ना बिपिन चंद्र पाल देते देखते बाल गंगाधर तिलक कहते बाल गंगाधर तिलक कौन कहते ना इंडिया नेशनल कांग्रेस सुड बी डिस्टिंग्विश इंडिया नेशनल कांग्रेस सुड बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेगिंग एंड ए क्लाइमिंग द राइट बुझेगा तो से जो मागिबा आउ अधिकार जो क्लाइम कर विषय डिस्टिंग्विश जनवाई किए कही आप बिपिन चंद्र सरी भूल कहीदे बाल गंगाधर तिलक कहते तो इंडियन कांग्रेस सुड बी डिस्टिंग्विश द डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेगिंग एंड द क्लाइमिंग द राइट है तो तीन जन इंपोर्टेंट अच्छी मे भी आपको एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन देखा को मिल पाए देन देखा कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखते देखो ना इन द आबसेन्स अफ गांधी द क्विट इंडिया मुवमेंट हार बीन लेड बाय डैश तो देखो आप जो क्विट इंडिया मुवमेंट रहा गांधी आबसेन्स किए ताक लिड करते अरुण असफ अली लिड करते क्विट इंडिया मुवमेंट को जो आप गांधी आबसेंट थे तो देखिए कि क्विट इंडिया मुवमेंट तो क्विट इंडिया मुवमेंट आपत मसीह आरंभ होता ना आप 8 अगस्त 1942 आरंभ होता इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी मे भी आप एग्जाम देखा को मिल पाए तापर देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना हु हाड बेकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस तो इंडिपेंडेंस पर आपंकर इंडिया गवर्नर जनरल किए थे तो यहाँ मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी लॉर्ड माउंटबेटन थे ऑप्शन डी हो राइट आंसर तो लॉर्ड माउंटबेटन थे कौन आप फर्स्ट गवर्नर जनरल थे आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑप्शन डी हो राइट आंसर तापर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखते ना तो फर्स्ट सत्याग्रह फॉर गांधीजी फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर वाज ऑब्जर्व एट डैश तो देखो ये जो रहा कि आप चंपारण आंदोलन होता गांधीजी केत मसीह ना 1970 मसीह ऑप्शन ए हो राइट आंसर तार चौरी चौरा घटना केत मसीह ना 1922 मसीह बरदोली इनसीडेंट के ना 1928 मसीह आउ साबरमती आश्रम 1930 मसीह जोटा कि आम कहे कौन दांडी मार्च कहूँ बुझे देखो पूरा डेट वाइज मुझको सिक्वेंटिकाल जमी आप गोटे इयर पर इयर में कौन होता है आप एका थर मन रही तो काइंडली इंडियन हिस्ट्री से पार्ट को विजिट करूँ जोटा बहुत ही हेल्पफुल रही है आप जे देखिए कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखते ना अंडर हुज टेंचर एस्टाब्लीश ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस तो देखो आईएनसी कहा अंडर टुक प्लेस होता जोटा कि रही है आप लॉर्ड डफरिन अंडर होता ऑप्शन ए हो राइट आंसर तो इंडिया नेशनल कांग्रेस गोटे बेस मुझे आपको कहवा चाहूँगी कारण तार रिलेटेड अलरेडी मुझे डिस्कसन कर सारी देन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखते ना क्रिस मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरींग द टर्म अफ हुई अफ द फलोईंग भाइसराय तो देखो जो क्रिस मिशन आप इंडिया को आसाला तो से टाइम आप वाइसराय इंडिया किए थे क्वेश्चन पचारे तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो लॉर्ड लिनलिथगो थे यार वाइसराय ऑप्शन सी हो राइट आंसर इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे ये आप देन देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप कौन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु अमंग दिस इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे तो निम्नलिखित मध्य आप फादर ऑफ इंडियन रेलवे क्या कहा बढ़िया क्वेश्चन अच्छे ना लॉर्ड डेलहाउसी ऑप्शन ए हो राइट आंसर लॉर्ड डेलहाउसी की आपको कौन कहुए ना फादर ऑफ इंडियन रेलवे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे तो कौन देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो ना हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो इंडिया प्रथम गवर्नर जनरल किए थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे ये क्वेश्चन आपको आरआई एग्जाम देखा मिले एवं बहुत पिला इतने कन्फ्यूजन है कि भूल करके आसते देखो ऑप्शन दे दी कि आप कौन ना वारेन हास्टिंग दे देता तो सी होती आप बंगाल प्रथम गवर्नर जनरल क्वेश्चन है कौन इंडिया तो ए रिलेटेड क्वेश्चन आप पिला भूल करके आते तो राइट आंसर कौन हो विलियम बेंटिंग हो तो देखो आप बर्तमान आरआई रिजल्ट बाहरी सारी आप पिला रिजल्ट जानते हैं
तो से माने प्रिपरेशन करू थे जो पिला माने सिलेक्टेड हे नाती तो से माने जोरदार प्रिपरेशन करू छथि तो आपण माने भी निजर काम रहू छी प्रिपरेशन करबा सिलेक्शन आपण कर जानु छी हे नाही तो बहुत ओरिडी रहू छथि देखो तो सिलेक्शन पाइबा कहले आपण माने निजर को प्रिपरेशन को बूस्ट करंतु आज एति आज मन को 2 घंटा पडु छथि ना ताको 3 घंटा केमि पडे सेटा भाबंतु प्रिपरेशन बूस्ट करन देखंतु आपण कर बेकारी समस्या सब जगह देखा जाउ छ आपण जदि प्रिपरेशन न करिवे चाकरी ही पाइबेने तो माइंड ओडी जिंसर लगे रखंतु कि मु प्रिपरेशन करिवार अछि जॉब पाइबार अछि जा हे जाउ बिना देन देखै कि आपण कर नेक्स्ट क्वेश्चन ना इन व्हिच ईयर डिड वॉरेन हॉस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया ऑफ बंगाल तो देखंतु ए जो रहले कि आपण कर वॉरेन हॉस्टिंग आपण कर फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया केबे हेतिले इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी जोटा कि होती आपंकर 1773 मसीह ऑप्शन सी है जो यार राइट आंसर एटा आपंकर ऑप्शन देखा कि बहुत पिला ये क्वेश्चन को नहीं बहुत कन्फ्यूजन हो जाइए है देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते देखो ना हिंद स्वराज वाज रिटन बाय डैश तो ये जो रहा कि आपंकर हिंद स्वराज को किए रचना करते यहाँ आप रिसेंटली एग्जाम ये क्वेश्चन देखा मिली कि हिंद स्वराज को आपंकर किए रचना करते तो यार राइट आंसर देखो ऑप्शन ए देछि अब्दुल कलाम बी देछि महात्मा गांधी सी देछि सरदार पटेल डी देछि सुभाष चंद्र बोस त राइट आंसर हे जे आपनकर महात्मा गांधी हिंद स्वराज को के रचना करथिले आपनकर महात्मा गांधी रचना करथिले वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि तापर देखि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन त नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखु ना दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन डैश तो केते मसेर आपनकर दिल्ली इंडिया रो कैपिटल दा हेइथिला एटा मध्ये बहुत भलो क्वेश्चन अछि तो ऑप्शन देला 1916 मसिया ऑप्शन बी देला आपनकर 1910 मसिया ऑप्शन सी देला आपनकर 1931 मसिया ऑप्शन डी देला आपनकर 1911 मसिया तो केते मसिया रहितिला ना आपनकर ऑप्शन डी हेजो 1911 मसिया रे आपनकर रहितिला कोन हेतिला ना आपनकर दिल्ली कैपिटल हेतिला इंडिया रो तापर देखिए कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिस देखंतु हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया आर द टाइम ऑफ जालियांवाग हत्याकांड देखंतु जो रहिला कि जालियांवाग हत्याकांड जो रहिला तो से टाइम रे आपनकर इंडिया रो वाइसराय के थिले तो जालियांवाग हत्याकांड केबे हेतिला ना 1919 मसिया एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि प्राय तो एग्जाम रे आपनकर देखियो को मिलथे पंजाब रो अमृतसर ठार हेतिला तो से टाइम रे आपनकर वाइसराय के थिले तो वाइसराय थिले आपनकर लॉर्ड चेम्सफोर्ड थिले ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर एटा देखंतु आपनकर बहुत थोर एग्जाम रे क्वेश्चन मध्ये देखिबा को मिलिछि के थिले लॉर्ड चेम्सफोर्ड थिले तापर देखे कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिस देखो ना द ड्यूरिंग द सिपाही देखो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि ओडिसा रिलेटेड आमे डिस्कशन करिया ओडिसा जीके रिलेटेड जेतले आपनकर सिपाही विद्रोह होइतिला संबलपुर रे काहा को मारी दैथिले सिपाही विद्रोह समय रे संबलपुर रे काहा को आपनकर मारी दिया जायथिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि जोडै रहउ छौ जे कैप्टन ऊड को मारी दिया जायथिला काहा को कैप्टन ऊड को मारी दिया जायथिला तापर देखे कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिस देखंतु ना इन मयूरभंज तो पीपल रिवोल्ट दैश देखंतु मयूरभंज आपनकर को सत्याग्रह देखा दैथला बा मयूरभंज आपनकर को विद्रोह देखा दैथला एटा मध्ये आपनकर इंपोर्टेंट अछि तो देखंतु मयूरभंज आपनकर दुइटा विद्रोह देखा दैथला गोटे होची कल्लोण विद्रोह आउ गोटे देखा दैथला आपनकर कोन ना सांताल विद्रोह तो यार राइट आंसर जो ए क्वेश्चन रे आपन कोन हिजो ना सांताल विद्रोह ऑप्शन बी हिजो यार राइट आंसर तो जो रहले कि सांताल विद्रोह नेतृत्व के नैथिले ए जो आपनकर कांको माछि आउ कालिया महंत कांको माछी आउ कालिया महंत कौन करते आपंकर मयूरभंज जो सांताल विद्रोह होते तार नेतृत्व नहीं है देन देखे कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखो हु लीड द सल्ट सत्याग्रह इन ओडिशा तो जो रहा कि आपंकर लवण जो सल्ट सत्याग्रह होता जो लवण आईन सत्याग्रह होता तो लवण सत्याग्रह आपंकर ओडिशार लीडर किए थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे तो ऑप्शन ए देला लक्ष्मीनारायण मिश्र ऑप्शन बी देला भागीरथी पटनायक ऑप्शन सी देला घनश्याम पाणिग्राही ऑप्शन डी देला सुरेंद्रनाथ दास तो यार राइट आंसर कौन हो ऑप्शन डी हो सुरेंद्रनाथ दास हो राइट आंसर कि ओडिशार सत्या जो सल्ट सत्याग्रह से कौन करते नेतृत्व नहीं थे देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो ना द सल्ट सत्याग्रह मुवमेंट द सल्ट सत्याग्रह मुवमेंट इन ओडिशा वाज फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच प्लेस तो ओडिशा रो प्रथमे को जगारु आपनकर जो लवण सत्याग्रह आरंभ हेतिला तो यार राइट आंसर हे जो बालेश्वर इंचुडी रु आरंभ हेतिला कोठे ऑप्शन हे जो बालेश्वर इंचुडी रु आरंभ हेतिला तापर देखि कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन एटा एक्चुअली टिके आपनकर क्वेश्चन भूल अछि जोडै रहउ छी आपनकर 1817 मसिया 1817 मसिया रे आपनकर को रेवोल्यूशन दा हेतिला जोडै रहउ छी आपनकर पाइक विद्रोह हेतिला को विद्रोह हेतिला आपनकर 1817 मसिया रे पाइक विद्रोह होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी कारण ओडिशा रिलेटेड आप रिलेटेड क्वेश्चन देखा ही मिलता है ओडिशा जिके तो अपकमिंग क्लास आम क्या आने
हैना तो अपकमिंग क्लास हमें कहा ऊपर आनिबा तो फर्स्टली आपण माने सेटा कमेंट बॉक्स से जणांतु कि नेक्स्ट क्लास आपनकर ए रिलेटेड ही प्रोवाइड करतो मो डेफिनेटली तारी ऊपर ही आपनको क्लास प्रोवाइड करबी इन व्हिच ईयर डिड द खोरदा रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल तो केते मसिया रे आपनकर जो खोरदा विद्रोह हेतिला जोडा रहउची आपनकर 1804 इंग्रज माने खोरदा को अधिकार करथिले तो सेबे ही आपन कोन हेतिला खोरदा विद्रोह देखा जायतिला 1804 ऑप्शन डी हेचो यार राइट आंसर देन देखियो कि आजर लास्ट क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन आंसर म आपन कहुनी एटा होची आपन को पई कमेंट वर्क तो इन व्हिच ईयर ओडिसा टेनेंसी एक्ट पास तो केते मसिया रे आपनकर ओडिसा टेनेंसी एक्ट ता पास करा जायतिला एटा होची आपन को पई कमेंट वर्क तो ये थिला ओवरऑल आपनकर 70 क्वेश्चन आई होप आपनके वीडियो डी भल लागथिबो जदि देखंथु वीडियो डी भल लागथिबो वीडियो को लाइक करे शेयर करिवे आउ गोटे कथा कि आपन माने 70 क्वेश्चन केतेडा क्वेश्चन आंसर आपन माने जानिथिले तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स रे यार आंसर प्रोवाइड करिवे आउ चैनल को विजिट करथु सब्सक्राइब कर दियंथु देखंथु एक्सरसाइज टिप्स बहुत भलो आपनको जो माने क्लासेस प्रोवाइड करूची किंतु आपन माने ताको सब्सक्राइब करना तो काइंडली सब्सक्राइब कर दियंथु एई परिसर म आपनको आहुरी भलो भलो कंटेंट मध्यम प्रोवाइड करिवे धन्यवाद।